हमेशा प्रोत्साहन दिया है। जहां तक अशोक जी की बातचीत है, मेरा सानिध्य, मेरा संपर्क इनके साथ विगत 15 से 16 वर्ष पुराना है और मैं जब भी इनको किसी भी मंच पे सुनती हूँ, चाहे मैं इनको अपने विद्यालय में एज मुख्य अतिथि बुलाऊं या कहीं पर भी इनके साथ मैं मंच साझा करूं या एक स्पीकर के तौर पे बोल रहे हैं और मैं सुन रही हूँ, ये वक्ता है, मैं श्रोता हूँ, तो मैंने हमेशा पाया है कि इनकी वाणी में बहुत ओज है। और आज भी इन्होंने, जैसा कि सुनील जी ने कहा, आंकड़े प्रस्तुत किए, वो हमेशा से हम लोग को अचंभित करते हैं, बिकॉज इतनी अच्छी इनकी हिंदी पे पकड़ है, हिंदी भाषा के प्रति इनका इतना ज्ञान है कि मेरे विद्यालय में भी जो इन्होंने आके मुख्य अतिथि के तौर पे हिंदी पखवाड़ा जब शुरू हुआ था तो इन्होंने जो संभाषण दिया था, तो हमारे बच्चे और हम सब उससे बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक भाषण से हम सब प्रभावित हुए थे। तो हमें लगता है कि अशोक जी ऐसे ही हम लोग को बराबर सिखाते रहे, सीखते रहे और ये अनवरत प्रक्रिया हम लोग की जारी रहे। आपका तो मैं हमेशा साधुवाद धन्यवाद देती हूँ कि कोई भी पेशेंट होता है तो डॉक्टर साहब उल्टा बोल रहे थे, कोई भी पेशेंट होता है तो डॉक्टर साहब हमेशा उसकी मदद करते हैं, चाहे मेरा वो कहीं दूर का ही कोई मतलब पेशेंट रास्ते में मिल गया हो, तो इन्होंने हमेशा एक समाजसेवी के तौर पर, एक अच्छे मित्र के तौर पर, एक अच्छे अग्रज के तौर पर हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, क्योंकि कोई भी समाज सेवा आप अकेले नहीं कर सकते, समाज सेवा समाज को समाहित करके होती है। तो हम सबका ये एक छोटा सा परिवार है, क्योंकि समाज भी एक छोटी सी परिवार की बड़ी इकाई है, तो इस तरीके से ये लोग का मदद हमेशा हम लोग को मिलता रहता है, हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अब जहाँ तक हिंदी भाषा की बात आएगी, तो मैं बहुत ज़्यादा हिंदी भाषा पर नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि अशोक जी बोल चुके हैं, पर एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, मैं स्वयं बायलिंगुअल हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा कॉन्वेंट में हुई, फिर भी आप लोग को ये बताते हुए मैं आज बहुत हर्ष से रेख हूँ कि 10th क्लास में हिंदी था जिसमें मेरे को 90% आया था, और मैं संस्कृत में, मैं लोरेटो कॉन्वेंट लखनऊ की हूँ, और संस्कृत में मेरे को 3 साल संस्कृत एकेडमी से 8, 9, 10 स्कॉलरशिप मिला है, और आज मेरी पुस्तक ताली सप्तकाली संस्कृत के वाइस चांसलर ने ट्रांसलेट की है, जिसमें 25 कहानियां हैं। एक एक फोन हम करके करते हैं। संस्कृत और हिंदी, जहां तक किसी भी भाषा का संबंध है, तो मैं जब लिखती हूँ, जब मैं कहानियां लिखती हूँ, तो मैं चाह कर भी अच्छी कहानी अंग्रेजी भाषा में नहीं लिख पाती, क्योंकि हम अपने मन के उद्गारों को, मेरी कम से कम 12 पुस्तकें हिंदी कहानियों के ऊपर मार्केट में उपलब्ध हैं, मैं चाह के भी अंग्रेजी में बहुत अच्छी कहानियाँ नहीं लिख पाती, कारण कि आप अपने मनोभावों को प्रकट ही कर सकते हैं अपनी भाषा में। तो मेरे भाव आते ही हैं जब मेरा संवाद होता है, मेरे 13 नाटक हैं और मेरे एक नाटक पे रिसर्च हो चुकी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। तो जब आप लिखते हैं, जब आप संवाद करते हैं, जब आप अपने मनोयोगों को, मनोभावों को प्रकट करते हैं, आप अपनी भाषा के अलावा किसी भाषा में कर ही नहीं सकते। मेरे को लगता है बहुत मुश्किल होता है, एटलीस्ट मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे को लगता है जितने भी हिंदी के जो लेखक हैं, उन सभी को इस द्वंद से निकलना पड़ता होगा कि उनको अपनी भाषा में ही अपने मनोयोगों को, मनोभावों को, अपनी संस्कृति को प्रकट करने का मौका मिलता होगा। अभी जाओ बोल रहे थे ना डॉक्टर साहब कि मोबाइल बहुत डिफिकल्टी होता है। माँ की ममता की छाँव में पल बढ़ कर हुए हैं हम ज्ञानी, माँ की उंगली थाम कर जीवन की पहली सीढ़ी है पहचानी। माँ की ममता की छाँव में पल बढ़ कर हुए हैं हम ज्ञानी, माँ की उंगली थाम कर जीवन की पहली सीढ़ी है पहचानी। ये अशोक जी आप इसे प्रेरित होकर लिखी है, उस दिन सुना था ना, उसके बाद लिख के मैंने इसको मुकेश को भेजा। माँ की भाषा बोलकर माँ को ही माँ नाम दिया, माँ की भाषा बोलकर माँ को ही माँ नाम दिया, माँ के दिए नाम से अपने जीवन को परिभाषित किया। माँ ने जब आशीष दिया तो जीवन में जयश्री मिली, माँ ने जब आशीष दिया तो जीवन में जयश्री मिली, माँ तू थी तो मेरा जीवन था, माँ तू है अब भी क्योंकि तेरा अंश आज भी माँ मुझ में जीवित है, तेरा अंश आज भी माँ मुझ में जीवित है।
तो अब मैं थोड़ा सा उद्यमियों के ऊपर बोलना चाहूंगी। 1993 से मैं काम कर रही हूँ विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर। मेरा आज भी महिलाओं से एक ही चीज कहनी है, सशक्तिकरण का अर्थ ये है कि हम अपने घर में जो अचार पापड़ सारा काम करते हैं, मसाला कूटते हैं, वो भी सशक्तिकरण के तहत आता है, वो भी उद्यमिता के तहत आता है। तो हम ये नहीं भूलें कि अगर हम घर की चार दीवारी के अंदर कैद हैं तो हम उद्यमी नहीं हैं। हम हर जगह पे उद्यमी हैं क्योंकि हम महिला हैं, और महिला को उद्यमशीलता ईश्वर ने स्वयं एक प्राकृतिक गुण के तौर पर दी है। तो मेरा सभी महिलाओं को यहाँ पे ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। और मैं अपनी दो छोटी पुस्तकें यहाँ पे MSME में प्रदीप जी को भेंट करना चाहूँगी, स्वीकार कीजिए। थैंक यू।